हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिलीट स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट परमानेंटली। तो यहाँ पे कैसे डिलीट करना है यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपको जीमेल के थ्रू बताऊंगा, तो जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ ओपन करेंगे, उसके बाद कॉलम वाइज आपको लिखना है। तो सबसे पहले नेम का कॉलम लिख देंगे, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। फुल नेम लिख देना है आपको सरनेम के साथ। उसके बाद यहाँ पे जैसे नाम लिख के हो जाएगा, आपको नीचे स्पेस देना है और यहाँ पे नंबर का कॉलम लिखना है और उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे स्पेस दे के लास्ट कॉलम आएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। यहाँ हम लिखेंगे प्लीज़ डिलीट माय स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट परमानेंटली। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, तो वहाँ हम उसी से रिलेटेड लिखेंगे स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डिलीट रिक्वेस्ट। इतना आपको सब्जेक्ट के कॉलम में लिख देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में स्लाइस क्रेडिट कार्ड की जीमेल आईडी आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीमेल आईडी, और अगर आप खुद से डालना चाहते हैं तो वहाँ पे आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी और इसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरा देख के कॉपी भी कर सकते हैं जीमेल आईडी। तो इस जीमेल आईडी पे आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है। लेकिन सेंड करने से पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से एक बार चेक करना है, प्रॉपर है या नहीं। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो करेक्ट और प्रॉपर होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक होगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो यहाँ पे आपका स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डिलीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से पूरा ईमेल चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे ब्लू जो एरो आइकॉन देखने मिल रहा है उस पर क्लिक करके सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आप सेंड के ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। अगर सेंड हो चुका है तो फिर आपको 2-5 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाएगा स्लाइस क्रेडिट कार्ड की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स में यहाँ पे आपका स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपना स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये ऑप्शन वर्क नहीं किया तो सेकेंड ऑप्शन बता देता हूँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर केयर से बात करना है और वहाँ पे पूछना है स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डिलीट करने का प्रोसीजर क्या है। जो प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, वहाँ से भी आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका स्लाइस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।